What is your favorite color? Color? Shall I repeat the question? Blue. Blue? That's not my favorite color. तो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे गेमिंग चैनल में। गेम खेल रहे हैं प्रिंस ऑफ पर्सिया टू थ्रोन्स और गेम का 11वां पार्ट है। ठीक है, तो इस पार्ट में हम फाइनली टू ब्रदर्स से लड़ेंगे। तो नीली को क्या बोलते हैं उनको जरूर देखेंगे बार। ठीक है, तो यहाँ पर टू ब्रदर्स करते क्या है कि यहाँ पर फंसा देते हैं गाँव वालों को, यहाँ बंदी बना लेते हैं। ठीक है, अब प्रिंस को यहाँ फंसा देते हैं। अब प्रिंस को बचाना पड़ेगा इन लोगों को। ठीक है, वरना बढ़ने से बचाना पड़ेगा, लेकिन उसका टाइम वेस्ट हो रहा होगा वहाँ उसका। अभी बताते हैं किंग सोलोमन की वहाँ तो मूर्ति है। ठीक है ना, उसकी मदद से बचाएगा उनको। ठीक है, तो गेम को तो आप देख रहे होंगे कहाँ से करना है यहाँ पर। ठीक है, ये कहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट नहीं लगेगा गेम को। ठीक है, जहाँ पार करने से मूर्ति को, लेकिन देख लोगे तो सीख जाओगे कहाँ पर कैसे पार करना। ठीक है, 20 मिनट की वीडियो है, 20 मिनट सब सीख जाओगे। ठीक है, कैसे पार करना उसको। आज मैं आपको मज़ेदार किस्सा सुनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया जैसे मेरे काम है। ठीक है, मेरे काम के समय जगह जाना पड़ता है मुझे। ठीक है, लोगों से मिलना पड़ता है मुझे, खासकर गांव में जाना पड़ता है, गांव खेड़ों में जाना पड़ता है। अर्बन एरिया में होता है, रूरल एरिया में दोनों जगह होता है इसे। ठीक है ना, लेकिन रूरल एरिया ज़्यादा होता है मेरा। ठीक है, तो होता क्या है, तो मुझे गांव के प्रधान से मिलना पड़ता है। ठीक है, जब गांव के लोगों से मिलने से पड़ता है, गाँव के प्रधान से मतलब अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, कि हम कुछ करने वाले हैं गाँव में, तो अनुमति लेनी पड़ती है कि क्या बोलते हैं कि पंचायत भवन खाली की नहीं, ग्राम सभा खाली है खाली, कोई स्कूल खाली की नहीं खाली। ठीक है ना, अस्पताल में कोई जगह खाली नहीं खाली, जहाँ पर जगह मिलती है, जहाँ कोई फील्ड मिलता है, कोई पब्लिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, तो एक बार परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए बात करनी पड़ती है एक बार गांव के प्रधान से। ठीक है, तो अच्छी खासी मतलब जान छान जाती है, थोड़ा बहुत बातचीत हो जाती है। ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक होती है सब हमारा होता है, काफ़ी लंबे दिन उनका हमारा टूर होता है, तो हर दिन मिलते हैं। तो इसी के साथ एक दिन एक प्रधान से मिला मैं। ठीक है, तो वो ना बहुत मज़ेदार प्रधान था। ठीक है, बहुत मज़ेदार था। ठीक है, प्रधान की सैलरी कुछ होती नहीं, मतलब ना के बराबर सैलरी होती है, वो प्रधान बनना चाहता भी नहीं है। ठीक है ना, वो केवल बन जाते हैं कुछ लोग मिला के, एक प्रधान को पकड़ लेते हैं, प्रधान बना देते हैं। ठीक है, तो वो प्रधान मतलब बहुत मज़ेदार बनता था यार, मतलब बहुत अच्छा बनता था। और क्या बोलते हैं, वही बोलता है यार, जो काम मैं करा सकता हूँ, मतलब जितनी मदद मैं सरकार के लोगों तक पहुँचा सकता हूँ यहाँ तक, उतनी कोशिश करता हूँ कि उसने कहा था, जितनी मदद दे सकूँ मैं उनको। मैंने कहा तो अच्छी बात है, मैंने कहा यार कि उसने ये भी कहा कि क्या बोलते हैं कि गांव वाले लोग जो होते हैं उनको न पढ़ना आता लिखना आता, उनके सारे डॉक्यूमेंट खुद ही करने पड़ते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक कि क्या बोलते हैं, कई बार तो फोटो कॉपी भी मुझे प्रस्तुत करानी पड़ती है, लेकिन मैं करा लेता हूँ। उसने कहा मैं करा लेता हूँ, लेकिन ठीक है ना, क्योंकि लोग समझते नहीं उस चीज़ को, लोगों को लगता है जब तक उनको फ़ायदा मिलेगा तो वो विश्वास नहीं करते मतलब लोग। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात बोले आपने, लोग विश्वास नहीं करते होंगे जब तक उनके पास फ़ायदा पहुँचेगा नहीं। ठीक है, तो फिर ऐसी एक बार बात करते करते ना, तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया अपना। ठीक है, तो मैं पहले बता दूँ आपको कि जो ठेकेदार थे, जो मतलब वो थे, जो प्रधान जी थे वहाँ पर, वो पेशे से टेलर थे। ठीक है ना, लेडीज टेलर थे। ठीक है, तो मतलब ओके, मैंने बताया ना सैलरी कम होती है, तो काम के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ठीक है, बस फुल टाइम नौकरी तो होती है प्रधान की। ठीक है, जिस टाइम जरूरत पड़ेगी उस टाइम मीटिंग करनी पड़ती है, बाकी था वहाँ कुछ भी कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन बात करते करते उन्होंने किस्सा सुनाया मुझे। ठीक है, उन्होंने बताया कि सर जी कि मैं बचपन में पढ़ाई करने में बहुत कमज़ोर था। ठीक है ना, कि मेरे पढ़ाई करने में मन नहीं लगता था मेरा। उसके बाद कि पढ़ाई को मैं सोच चुका था कि पढ़ाई छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, तो मेरे घर वाले लेकिन छोड़ नहीं देते थे मुझे। ठीक है, उसने मुझे कहा कि घर वाले मुझे जबरदस्ती स्कूल भेजते थे, लेकिन तब भी घर वाले ने मुझे बोला कि तू 10वीं पढ़ ले। ठीक है, तो 10वीं पढ़ ले कम से कम, उसके बाद क्या बोलते हैं आगे देखा जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जब मेरे 9वीं क्लास में था तो मैं बहुत पढ़ाई में कमज़ोर था, कि मैं कई टेस्ट में फेल हो गया था। ठीक है, तो मेरे मैथ्स टीचर मुझसे बड़ा गुस्सा करता था कि तू बड़ा बेवकूफ है, तू उल्लू का बट्टा है, तू 10वीं का बोर्ड का रिजल्ट ख़राब करेगा हमारे स्कूल का। ठीक है, मेरी भी रेपुटेशन ख़राब करेगा तू, स्कूल की रेपुटेशन ख़राब करेगा तू। ठीक है, तेरा कुछ नहीं हो सकता है, कई प्रकार के उस पर ब्लेम मारे उन्होंने, मतलब उन पर ब्लेम मारते और क्या बोलते हैं, मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ बोलते थे मेरे को। ठीक है, तो एक और दिन बोल रहे थे कुछ वैसे सेम बात बोली उन्होंने, टीचर की हर बार सेम ही होती थी, हर बार सेम ही डांटते हो। फिर से बोला कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो बता रहा हूँ लिख के देता हूँ तेरे को आज। ठीक है, मैं उस दिन क्या हुआ, सर ने बोला कि मैं भी मूड में था कि ठीक है, पता नहीं घर से लड़ाई कर गया हम कुछ, तो सर भी मूड में था। उन्होंने कहा कि प्रधान जी मूड में था, उन्होंने कहा कि सर जी
कि आप क्या बोलते हैं, बोल रहे कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, ठीक है ना, एक दिन देखना क्या बोलते हैं कि आपको सब यहाँ गुरु जी बोलते हैं ना, मास्टर जी बोलते सब आपको यहाँ पर, ठीक है, तो देखना एक दिन क्या बोलते हैं, मुझे भी आप खुद मास्टर जी कहोगे, ठीक है। तो उसके टीचर हंसते हैं उस पर, ठीक है, टीचर बोलते हैं मास्टर जी ऐसे बोल दूंगा, ठीक है, मास्टर जी करने के लिए क्या बोलते हैं, 10वीं पास करनी पड़ेगी, 12वीं पास करनी पड़ेगी, बीए एमए करना पड़ेगा, ठीक है, टीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसका बीएड करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा उन्होंने कहा, ठीक है। तो उसने कहा सर जी सब कुछ करूँगा, क्या बोलते हैं, लेकिन आप मुझे मास्टर जी खुद कहोगे, देखना आप खुद देखना जी, ठीक है। तो बोला भाई फिर अब क्या बोलते हैं, स्टोरी को समझ लो, लगभग 15 साल आगे कर लो स्टोरी को, ठीक है ना, 15 साल बीत चुके थे, ठीक है। अब गांव का ना स्कूल बदला और ना क्या बोलते हैं, गांव के दोस्त रखे हुए थे, लोग हर जगह सेम थे, हर जगह सेम थे, ठीक है, लेकिन वो सर क्या बोलते हैं, वहाँ से गायब हो गए थे कुछ दिनों, कुछ समय से गायब हो गए थे, उस टाइम भूल गए होंगे क्या बोलते, 5-6 साल के बाद, ठीक है। तो उसके बाद जब 15 साल बीत गए, तो एक बार क्या हुआ कि वही प्रधान जी क्या बोलते हैं, अपने शॉप में बैठ रखे थे, अपने दुकान में बैठ रखे थे, और कपड़े सिल रहे थे, ठीक है, औरतों के कपड़े सिल रहे थे। तो तभी क्या बगल से एक आदमी आया, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मास्टर साहब की मेरा कुर्ता सिल फट गया, कुर्ता सिल लो मेरा, ठीक है ना। तो उसके बाद वो सर तो वो तो पहचान नहीं पाया, ठीक है, मतलब वो तो पहचान नहीं पाया, सज्जन पहचान नहीं पाया उनको, लेकिन जो वो थे टेलर मास्टर जी थे, जो प्रधान जी थे, वो पहचान गए कि मेरे मास्टर थे ये वही टीचर जो मुझे बहुत डांटते थे, और हमारी क्या बोलते हैं बाद में बहस भी हुई थी, ठीक है। तो तब उन्होंने बोला, प्रधान जी ने बोला अपने टीचर को, वो भी बहुत बूढ़े हो चुके थे, तक 15 साल आगे बढ़ चुके थे, कि सर जी पहचाना आपने मुझे, कि उन्होंने कहा कि नहीं मैंने तो नहीं पहचाना आपको, जी याद करो सर उन्होंने कहा कि 10वीं क्लास में 9वीं क्लास में क्या बोलते हैं आपने डांटा था मुझे बहुत, ठीक है, उसके बाद में स्कूल आना बंद कर लिया था मैंने, आपने कहा था कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो मैंने भी कहा था कि आप एकदम मुझे खुद ही मास्टर जी कहोगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोलते हैं सर ने, उन्होंने बोला कि देखे जी आज क्या बोलते हैं आपको आना पड़ा ना मेरे पास, क्या बोलते हैं खुद मास्टर जी बोलते हुए, समझ में आप लोगों को, यार वही याद यार उस टाइम तो मुझे बड़ी हंसी आई थी उस सुनाते बाद, मुझे उस टाइम में हंसा नहीं क्या बोलते, लेकिन वो भी हंस लगे थे, वो समझ गए थे यार जब सर को हंसी आ रही है यार, लेकिन बंदा मस्त था यार, बंदा मस्त था। तो मुझे बता रहा था कि सर जी क्या बोलते हैं, मैं अपने बच्चों को ढंग से पढ़ाऊंगा, कि जो मैंने किया था वो नहीं करने दूंगा, उनको सब कुछ पूरा पढ़ाऊंगा, कि मैं उनको बीए तक कराऊंगा, एमए कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, कितने ठीक है, बोल रहे थे कि बाद में उन्हें आईएएस बनाऊंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा आपने कुछ सोचा है क्या बोलते हैं, अब देखना कि ये सोच उनको बताना कि ठीक है, उनके बाद उनकी सोच देखना, उनकी सोच मैच खाती हुई तो ज़रूर बनाना उनको। चलो यार इतना दिख गया, समझ आगे होगा ना गेम का को, कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ समझा नहीं रहा यार, जब एक बार गेम देख रहे हो तो इतने बड़े बेवकूफ़ कोई होता नहीं कि गेम देख भी रहा हो समझ ना पाए, क्या पता कोई हो जी। बहुत चल अच्छा, जब मैंने पहली बार खेला था ना इस गेम को, जब मैं पहली बार खेला था सोलोमन वाला, ये मुझसे हुआ ही नहीं भैया, 3 दिन तक लगा रहा मैं पूरा, मुझसे हुआ ही नहीं सॉल्व ये। उसके बाद वो मानो भाई क्या बोलते हैं यूट्यूब की वजह से भैया देख पाया था, कहीं से सॉल्यूशन देख पाया था, नहीं उस टाइम पर चीट बुक थी, उस टाइम पर यूट्यूब के लिए डेटा पैक था नहीं, मैंने बहुत पहले खेला था गेम को, मैंने बताया ना, लेकिन उस टाइम पर यूट्यूब का डेटा पैक बहुत कम होता था, तो उस टाइम पर चीट बुक देती थी, हमारे पास चीट बुक आती थी 18-20 संधि होती थी, क्या वो डाउनलोड कर लिया उसको, चीट बुक में देखो पड़ा हमने कैसे करना है कैसे करना है। अब तो क्या बोलते हैं गेम में कोई फंसता नहीं कोई भी है ना, अब तो कोई खास फंसता नहीं थी, एक बार भी कोई फंसेगा तो आप सीधे यूट्यूब में सर्च मार लो, कोई ना कोई वीडियो पॉपअप जरूर हो जाएगी। वैसे मैंने इसमें भी बहुत लंबा समय ले लिया, इससे भी जल्दी कर सकता मैं, जल्दी कर नहीं पाया मैं, बहुत नीचे होता जब मेरे ख्याल से सही हो गया होगा। साले हाथ धो रखी
तो बहुत सारे लोग जो मेरे जो व्यूअर्स हैं मेरे जो यूट्यूब में हैं वो सवाल पूछते हैं मुझसे कि यार तो अपनी राम कहानी को सुनाता रहता है इस पर, ठीक है, मतलब गेम खेलता चुपचाप गेम खेला करना तो उनकी वे बात से पूरे सहमत हूँ यार। मैंने अपनी राम कहानी सुनना चाहता नहीं हूँ मैं, ठीक, लेकिन सुनानी पड़ती है मुझे, ठीक। एक तो यार ना पहली चीज़ तो ये है कि मैं गेम में केवल गेम के बारे में कुछ मोर करना नहीं चाहता यार, वो हर कोई बताता वो, ठीक है ना। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो गेम के बारे में गेम की बात करते रहते हैं, अरे वो चढ़ गया ये भी ऊपर, ठीक है, बीच में कमेंट मारते हैं गेम के। एक तो मेरे अंदर जोश नहीं आता हूँ, ठीक है, मेरे अंदर उतना जोश नहीं है वो कमेंट मारने का गेम में कि अरे वाह क्या हो गया, ठीक है। दूसरा तो मैं गाली देने के लिए मैं गाली देना नहीं चाहता यार, इसमें गाली ये नहीं गाली देता नहीं हूँ मैं गाली देता हूँ, ठीक है, ये मैं सोचना इतना सीधे साधा नहीं हूँ मैं, क्योंकि इस टाइम गाली देने का मूड होता नहीं मेरा इस टाइम पे। एक तो मैं रात को 2 बज चुके हैं, 2 बजे मैं गेम की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसको एक कन्वर्सेशन भी देता हूँ यार, कोई वो देख रहा है, कोई बात सुन रही है, मतलब बात सुन रहा हो कोई, उसको क्या पता कि उसके साथ वही कुछ चल रहा हो जो मेरे साथ चल रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम मैं जानता हूँ ना क्या बोलते हैं इस टाइम पे जो लोग क्या होंगे, जो देखने वाले व्यूअर्स कौन है मेरे, मेरे पास मैक्सिमम देखने वाले व्यूअर्स जो हैं वो 20 से 30 साल के बीच में, 20 से 35 साल के बीच में, मतलब यही 15 साल गैप में, ठीक है, 20 से 35 एज तक वाले बंदे मेरे व्यूअर्स हैं मेरे मैक्सिमम। अब उनकी प्रॉब्लम होती क्या, उनकी प्रॉब्लम ये होती है कॉलेज की दिक्कत आती है, अच्छा कॉलेज नहीं मिलना, कॉलेज मिल जाते कॉलेज में क्या बोलते हैं फिर इस कॉलेज में बकचोदी ना हो ना, बकचोदी के नाम पे कॉलेज आते हैं वहाँ बकचोदी नहीं होती, ठीक है ना, वहाँ क्या बोलते हैं क्लास में जबरदस्त बैठाए रहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या बोलते हैं उसके बाद कॉलेज निकलो, कॉलेज के बाद जॉब, कॉलेज में पहले गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड की दिक्कत, ठीक है ना, उसके बाद कॉलेज से बाहर निकलो जॉब की दिक्कत, जॉब में चले जाओगे उसके बाद बॉस की दिक्कत, ठीक है ना, बॉस की दिक्कत भी सह लोगे, उसके बाद सैलरी की दिक्कत, सैलरी की दिक्कत सैलरी कम सैलरी की दिक्कत, ठीक है ना, उसके बाद जो पैसे हैं उन पैसों को इन्वेस्ट कहाँ करें उसकी दिक्कत, ठीक है। तो ये जो 20 से 35 साल का जो सर्कल होता है, ठीक है, जब तक मतलब बंदे को लगता है कि वो लड़ सकता है, ठीक है ना, मतलब 20 से 35 30 तक बोलूँगा, 20 से 30 साल तक जो उम्र जो होती है ना उसमें लगता है बंदा कि क्या बोलते हैं वो अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से नौकरी करेगा, बॉस से खुश रखेगा, ठीक है ना, जो असाइनमेंट दी जाएगा पूरा करेगा बॉस का, ठीक है ना, प्रोजेक्ट्स में क्या बोलते हैं सबसे हाई परफॉर्मेंस लाएगा, ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनेगा उससे लगता है मतलब, ठीक है। लेकिन 30 के बाद ना थका जाता वो, ठीक है ना, मतलब वो समझ जाता है यार कि कुछ हो नहीं सकता, ठीक है ना, अब ज़िंदगी जैसे चल रही है जिस पेस चल रही है चलने दो, अब कुछ बदल नहीं सकता, मतलब मैक्सिमम लोगों की बात बोल रहा हूँ, ठीक है, तो उन्हीं की बात करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि यार जिंदगी साथ मतलब सेम भी दिक्कत आएगी, मेरी लाइफ में सेम दिक्कत है, आपकी लाइफ में सेम दिक्कत होगी आलू, ठीक है, अगर इससे अलग हट कर लाइफ है तो फिर तो आपको नहीं देखना चाहिए चलना, फिर तो कुछ और देखना चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन मेरी दिक्कत हुई, आप देखो प्रॉब्लम क्या, देखो सपोज क्या बोलते हैं, पहले तो मैं बाइक में जाता हूँ अपने ऑफिस, ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या बोलते हैं मैं बस में आता था, क्योंकि बस में तो ठंड लगती है, ठंड के टाइम में बाइक में जाने का मन नहीं करता यार, बस में जाने का मन करता। अब बस की दिक्कत क्या है, मेरे ऑफिस जाने के लिए मुझे कम से कम 3 बस बदलनी पड़ती है, नहीं 3 बस नहीं 2 बस बदलनी पड़ती है और 1 ऑटो बदलना पड़ता है, ठीक है, कभी भी लास्ट में मैं बस ही लेता हूँ मैं, लेकिन मैं उसको बस नहीं मानता, मैं उसको ऑटो मान रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बस वाले का दिक्कत होती है, बस वाले छोटे भाड़े को उठाते नहीं, ठीक है ना, तो आप 2 बस समझिए और 1 ऑटो समझ लीजिए, तो उतना मुझे ट्रैवल करना पड़ता है लगभग हर दिन, मेरा लगभग ये नहीं करो कि 2 घंटे निकलते हैं ट्रैवलिंग में, ठीक है ना, 2 बस में जाना, ऑटो में जाना, वो बीच पैदल जाना, यहाँ तक कितना मान लो कि मेरा 1 किलोमीटर पैदल भी मेरा, एक नहीं लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल भी मेरा, ठीक, तो इसकी दिक्कत झेलो, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, सैलरी मेरी क्लब वाली सैलरी है, ठीक है, भले में क्या बोलते हैं एक, मैं ये नहीं बोलना चाहता, ठीक है, लेकिन भले में क्या बोलते हैं मैंने इंजीनियरिंग पढ़ाई की है, सैलरी पता ही कम है यार, ठीक है, दिक्कत भी आपके साथ पक्का होगी, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं मेरे बॉस को देखकर तो भाई मेरी ढंग से चल जाती है, मेरी अच्छे से चल जाती है मेरी, ठीक है, उसको कुछ नहीं आता उसका, देखो बताऊँ कुछ नहीं आता उसका, देखो मतलब उसको यकीन नहीं करो कि उसको मेल तक नहीं आता, ठीक है ना, मेल में तो मिस्टेक करता है ससुर, कभी कभी क्या आता है ब्लैक बोर्ड में बताता है, उसको लगता है कि वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा, और वहाँ से कोई शब्द आता ना उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर लेता है, और जब हंसी तो बड़ी आती लेकिन हंस नहीं सकता मैं, अब तो हंस सकता हूँ मैं, उसको बस हिंदी लिखनी आती है, हिंदी प्रॉब्लम ये है ना, वो उसको क्या बोलते पता नहीं, इसीलिए आओ क्या पता कि कम सैलरी में काम कर रहे हो, लोकल का बंदा है वो, तो लोकल बंदा समझ के लिया होगा कंपनी ने कि लोकल का बंदा है, तो क्या बोलते कंपनी को ज़्यादा से बैठे मैं दे पाएगा 10 के जगह 12 घंटे दे पाएगा। तो उसके बाद आने की सेम दिक्कत है, ठीक है, आने के टाइम पर तो भैया मैं बेहोश होकर आता हूँ, ठीक है, मतलब बस में जब मैं आता हूँ मैं, फिर उस टाइम में पहले तो मैं 2 बस बदलता हूँ, मैं सुबह के टाइम में 2 बस बदलता हूँ मैं, लेकिन ज़्यादातर मैं करता क्या हूँ मैं एक ही बस में जाता हूँ पूरा, ठीक है ना, क्योंकि आठ टाइम वो बस मिल जाती है मुझे जो चाहिए होती है मुझे, तो एक ही बस में आता हूँ पूरा का पूरा ना,
उस टाइम तो भैया लगभग मैं 2 घंटे सोता रहता हूँ, ठीक है। जो आए दो मतलब 3 सीट में जो थ्री सीट बस नहीं होती, इसमें 3 सीट लगी रहती साइड, उसमें सोता रहता हूँ। उसके बाद जो आए जो उठाए मैं उठता नहीं भैया, ठीक है। तो मैं सोच चुका हूँ अब मैं उठूँगा नहीं उससे, कितने भी लात मुक्का मार ले मुझे, उठाते भी नहीं है लोग। तो मैं सोचा लोग उठाते भी नहीं, अगर सीट जगह है, अगर बाकी जगह सीट है तो उठाते भी नहीं है। लोग बोलते हैं सोन दिया कोई पीकर सोया होगा, या फिर क्या बोलते हैं कोई सेल्समैन होगा प्रोडक्ट बेच कर सो रहा होगा। तो ये अच्छा करा ही टाइम ले लिया, ठीक है। अब वो समझ में आ गया होगा, एक बार पीछे लेता उसे, उसके बाद फिर से आगे लेता। तो यार आजकल का न्यूज़ तो आप न्यूज़ सुनते ही होंगे आप लोग, ठीक है। रिसेंटली जो केस चल रहा, ठीक है, जो रेप केस चल रहा, सच में यार कितना बुरी है ना। और ये केवल ये वाली बात नहीं है, क्या बोलते हैं कि केवल वही हो रहा, ठीक है, बहुत जगह हो रहा, ठीक है, हर घंटे हो रहा। प्रॉब्लम है यार हमारे देश में, ठीक है ना, बहुत यूज़ चीज़ों में हम बातें करते हैं, बहुत यूज़ चीज़ों में, ठीक है, ऐसी चीज़ों में बात करते हैं जो मतलब जिनको जिनको हमें क्या बोलते हैं 1 सेकंड तक देना चाहिए उनके बारे में बात करते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और जो मेन चीज़ें उनको बिल्कुल बात नहीं करते, ठीक है यार। मतलब सरकार क्या बोलते हैं, सरकार को मतलब उनको तो कुछ चाहिए ना, उनको से बात है, उनको तो वोट पाने हैं, ठीक है। वो एक डेमोक्रेसी वाला क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बना चुकी है, ठीक है ना, हमें भी पावर दे चुकी है मतलब पेपर के रूप में, कि हमारे पास पावर कुछ है नहीं है, आपको लगता है पावर हमारे पास है नहीं कुछ पावर, ठीक है। डॉक्टर काफिल खान पर केस देख लो, आपके पास कुछ पावर है नहीं, ये बात समझना, ये सब बहुत बड़ी भूल है आपकी। अगर आपको लगता है कि कॉमन मैन के पास पावर है, हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास पावर तब तक नहीं है जब तक हम कम से कम मेजोरिटी में ना हों। मेजोरिटी से मेरा मतलब है कम से कम 80 करोड़ लोग एक साथ ना, ठीक है ना, तब जाकर कोई पार्टी क्या बोलते हैं हट सकती है। अब पार्टी से मैं कोई पार्टी का फॉलोवर नहीं हूँ मैं, ठीक है ना, मेरे तो नज़र में ना कांग्रेस भली है ना बीजेपी भली है, ठीक है, लेकिन वो अलग बात है। प्रॉब्लम वही है यार कि हम यूजर्स मुद्दों में बहुत बातें करते हैं, हम रियल मुद्दों में बात नहीं करते, ठीक है। ये रियल मुद्दे क्या हैं देश में यार, उनके ऊपर बात कोई नहीं करता, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम लो है, ठीक है, हंगर इंडेक्स लो, ये जो वर्ल्ड UNO, ठीक है, क्या बोलते हैं WHO, ये सब रिपोर्ट जो निकालते हैं उन पर ध्यान को देता नहीं है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट निकालते हैं ना, वो रिपोर्ट की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, उन पर आपको बताना, ठीक है, उनको हमें ऊपर टॉप लाना है, उन चीज़ों पर बात करनी चाहिए, हमें उन चीज़ें बात करनी चाहिए। और हम यूज़ से बात कर रहे होते, ठीक है, आजकल तो कंगना ने तबाही मचा रखी उसने, पता नहीं क्या है यार वो, बताऊँ अब वही बात है ना, अब कोई चीज़ें बात करूँगा यहाँ पर तो आपको लगेगा पॉलिटिकल जाएगा, ये पॉलिटिकल जाना बिल्कुल है नहीं, पॉलिटिकल बनाना चाहता मैं उसको, तो वही बात है, उसका बातचीत करना वही पूरी बात है, वही बात है, कोई फॉलोअर होगा, कोई उसका गेस्ट होगा। वही है जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, जो अच्छे होते हैं दिमाग के, जो बदलाव ला सकते हैं हमारे देश में, लिटरेचर जो बदलाव ला सकते हैं, वो लोग रुक नहीं पाते, उनके पास क्या बोलते हैं, उनका जो टॉलरेंस लिमिट है बहुत कम है हमारे देश के लिए, ठीक है। तो वही बात है, वो नौकरी यहाँ देश को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह जाकर नौकरी करते हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी लाइफ में ज़्यादा ग्रो कर सके और देश जाए भाड़ में। वो बिल्कुल सही करते हैं यार, चेन लाना हर किसी की बस की बात होती नहीं है, हर कोई चेन ला सकता है भैया, चेन लाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है, इसलिए वो भी छोड़ देते हैं। अभी नहीं मुड़ेगा, टच करेगा, हो गया, अब आगे बढ़ाना है। यहाँ से मजा आने वाला, ठीक है, अब मजा आने वाला आपको, गिर मत जाना, इसमें तो बिल्कुल नहीं गिरता हूँ, लेकिन ऐसे में तो बहुत गिरता है, ठीक है ना, जो क्रीड वाला गेम है उसमें बहुत गिरता हूँ।
अब यहाँ पर की स्टोरी में हर बार देखने मिलती है, देखो सोलोमन की मूर्ति गिरते हैं यहाँ, गांव वालों को छुड़ा दिया उसने। और उनको छुड़ाने के बाद वो महारानी आई है, ये वही पढ़ता था जो क्या बोलते हैं बाद में वो भविष्यवाणी करता है, हो भी सकता है निकल के तो ऊपर से उनका पीछा करने की बारी आ गई। जी बोले तो यहाँ भैया कहीं मर मरा गए ना, फिर तो भाई वापस कर से खेलना पड़ेगा। लोगों इस बार क्या बोलते हैं, मैंने पहले बताया था कार्ड जो लाएंगे ना कभी दो बंदों का इस्तेमाल करना, ठीक है? अगर पहले बार खेलोगे तो दो बंदों को चलाना, एक बंदे को बोलना क्या बोलते हैं कि तू केवल शॉट चला, ठीक है ना, रेफ टाइट तो खुद करेगा, शॉट तो चला उसे बोलना। मैं कोशिश करूँगा तो एक बार मैं करूँगा, ठीक है, बिना मरे करूँ, बिना मरे हो पाएगा तो अच्छी बात है, नहीं पाएगा तो अगली ट्राई तो करनी पड़ेगी। अब तो अच्छा खेल रहा हो यार, बोलना कहीं भी टच तक नहीं किया मैंने। अरे अरे पीछा, अरे यार यहाँ साइड में आ गया था यार, आज मैं साइड में था यार, आज मैं ऐसे नहीं बोल रहा साइड में था, तो कोई बात एक मैं मर गया इस गेम में। इसमें बहुत गिरते हैं, इसमें बहुत मरते हैं, टायर को देख रहा हूँ, टायर कैसे हो रखे हैं उसके यार, सच में घोड़े अपने सर से फोड़ रहे क्या दीवार को, घोड़े पागल फोड़ना है, घोड़े कभी नहीं करते भैया वो, घोड़ा है भाई कार थोड़ना है कि दिमाग ना होगा अपना। अब तक मैं एक ही बार मारा, ठीक है, अगर आप लोगों ने इस गेम को पहली बार खेलने के बाद बिना मरे में पार किया तो मुझे जरूर बताना मुझे, और हो सके तो यूट्यूब में अपलोड करना, मैं वक्त देखूँगा उसको, ठीक है, लेकिन हाँ शर्त ये है कि पहली बार खेलाओ गेम को, ये नहीं कि दो तीन बार खेलने के बाद। मैं अब तक एक बार मरा केवल, आपने खुद देखा, ठीक है, और मैंने बताया था कि इस गेम को मैंने इससे पहले मैंने क्या बोलते लगभग 7-8 साल पहले खेलता मैंने, ठीक है, अब इसे खेलने के बाद इतने रिकॉर्डिंग के लिए खेला मैंने, यार जबरदस्त खेला यार, ओ भाई मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, अपनी परफॉर्मेंस देख के खुश हो गया खुद। चलो भैया तो यहाँ पर हम पहुँच गए, ठीक है, तो यही वो पार्ट है जहाँ मैंने गेम का वो लगा रखा अपना इंट्रो लगा रखा जो गेम का मैंने, तो यहाँ के बाद हम कल खेलेंगे गेम को फिर, ठीक है, इन भाई को मारना कल सिखाऊंगा आपको। देखो मारना तो मुश्किल नहीं है, कई लोग इस गेम में ना यहाँ पर क्या बोलते हैं घंटों घंटों तक फंसे रहते हैं, कुछ लोग दिन तक फंसे रहते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं मज़ा आएगा खेलने में। चलो फिर कल मिलते हैं भाई लोगों, तब तक ले बाय।